गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके इंग्लिश बुक का नया चैप्टर चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है लॉर्ड हनुमान। हनुमान भगवान के बारे में स्टोरी है। आपने हनुमान भगवान को तो आप सब जानते हैं, राइट? तो उन्हीं के बारे में ये छोटी सी स्टोरी है, ठीक है? चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, लॉर्ड हनुमान। सबसे पहले इस स्टोरी में जो भी न्यू वर्ड्स आने वाले उनको हम देख लेते हैं कि आपको उनका मतलब पता है कि नहीं। ओके, फर्स्ट वर्ड है नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। आपकी मैम आपको कभी कभी नॉटी बोलती है ना, मम्मी भी बोलती है कभी कभी नॉटी। नॉटी का मतलब क्या होता है? शरारती। ओके, नेक्स्ट वर्ड है बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज सबको पता है, बटरफ्लाइज किसको बोलते हैं? तितलियों को। ओके, नेक्स्ट पफ, PUFFED, पफ। पफ का मतलब क्या होता है? फूला हुआ। फूला हुआ जो होता है उसे हम बोलते हैं पफ। नेक्स्ट क्राइड, CRIED, क्राइड का मतलब रोना, राइट? रोना। नेक्स्ट सनशाइन, SUNSHINE, सनशाइन, सूरज की किरणें जब पड़ती है दैट इज सनशाइन। थॉट, THOUGHT, थॉट का मतलब सोचना। स्वॉलन, SWOLLEN, स्वॉलन का मतलब भी वही फूला हुआ होता है, जैसे पफ्ड है वैसे स्वॉलन। फ्रीड, फ्रीड, FREED, फ्रीड का मतलब मुक्त होना, आजाद होना, फ्री होना। ओके, नेक्स्ट इज रेनबो, RAINBOW, रेनबो। रेनबो आपको दिखाई देता है ना, कभी कभी बारिश होती है तो उसके बाद आसमान में हमें सात रंग दिखाई देते हैं, दैट इज अ रेनबो। स्मैग्ड, स्मैग्ड, यहाँ पर इस स्टोरी में स्मैक्ड का मतलब है स्वाद लेना, चखना। ओके, फ्रूट, फ्रूट का मतलब होता है फल, जो हम फ्रूट्स खाते हैं। प्लम, PLUMP, प्लम। प्लम का मतलब भरा हुआ, गुदगुदा, प्लम। ओके, तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एज यू रीड द स्टोरी कंप्लीट द इलस्ट्रेशन बाय पेस्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम द स्टिकर पेज। आपकी जो पीछे स्टिकर पेज दिया हुआ है वहाँ पर आपको लॉर्ड हनुमान के स्टिकर्स दिखेंगे। जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ते जाएंगे तो ये आपको स्पेस दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखी है पिक्चर्स के पास, वहाँ पर आपको वो स्टिकर्स पीछे से निकाल कर यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है? जैसे जैसे आप स्टोरी पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ओके, चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो हनुमान वॉज अ नॉटी बेबी। बहुत बहुत पुराने समय की बात है, हनुमान जो थे वो बहुत ही नॉटी बेबी थे, बहुत ही शरारती बच्चे थे, ठीक है? बचपन में अपने बहुत ही शरारती थे। He liked the sunshine, the rainbow and the butterflies. उन्हें क्या पसंद था? सूरज की किरणें, रेनबो और बटरफ्लाइज और तितलियां उन्हें बहुत पसंद थी। Everybody loved this fat and plump baby. और उनसे सभी लोग बहुत प्यार करते थे। वो मोटे भी दिखते थे और गुदगुदे भी दिखते थे, भरे भरे से दिखते थे, अच्छे हेल्दी से दिखते थे, तो सब उनसे बहुत प्यार भी करते थे, क्योंकि जो फैट होते हैं, प्लम्पी होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें क्यूट दिखते हैं। ओके, सो वो बहुत क्यूट दिखते थे इसलिए उनसे सब बहुत प्यार भी करते थे। बट हनुमान वॉज द सन ऑफ द गॉड ऑफ विंड। पर जो हनुमान जी थे, जो लॉर्ड हनुमान थे, वो किसके बेटे थे? हवा के भगवान के बेटे थे, गॉड ऑफ विंड के बेटे थे। ओके, सो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही कुड फ्लाई टू। इसलिए वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, स्ट्रॉन्ग थे और वो उड़ भी सकते थे। ओके, ही कुड फ्लाई टू। वन डे बेबी हनुमान गॉट अप इन द मॉर्निंग फीलिंग वेरी एंग्री। एक दिन क्या हुआ, जो बेबी हनुमान थे वो सुबह सुबह उठे और बहुत उनको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगी। वो बहुत भूखे फील कर रहे थे, हमें बहुत भूख लग रही थी। ऐसा कभी कभी हमारे साथ भी होता है, हम जल्दी उठ जाते हैं और हमें लगता है हमें बहुत भूख लग रही है अगर हम रात को जल्दी खा के सो जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे ही हनुमान जी को भी मॉर्निंग में उठते और उनको बहुत भूख लग रही होती है। ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। ही लुक्ड अराउंड फॉर समथिंग टू ईट। वो अपने आसपास देखने लगते हैं कि कुछ खाने को है कि नहीं, कुछ खाने का वो ढूंढने लगते हैं। He could not find anything. तो कुछ भी ढूंढ नहीं पाते, कुछ भी नहीं मिलता खाने के लिए।
And then his eyeballs grew big and round. तो उनकी जो eyeballs होती हैं, जो आँखों की पुतलियाँ होती हैं, वो एकदम बड़ी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता और गोल गोल घूमने लगती हैं. Okay? He had seen something to eat. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको क्या दिख जाता है? कुछ खाने का उनको मिल जाता है, कुछ खाने का दिख जाता है. The sun was just rising. जो सूरज होता है वो जस्ट उगने वाला होता है, राइज होने वाला होता है. ओके, इट लुक्ड राउंड एंड रेड. उन्हें कैसा दिखाई देता है? कि वो गोल सा और लाल कलर का दिखाई देता है. बेबी हनुमान थॉट इट वॉज अ फ्रूट. और बेबी हनुमान को क्या लगता है कि वो क्या सोचते हैं कि ये क्या है? ये एक फल है जिसे मैं खा सकता हूँ. ठीक है, तो आज आप ये फर्स्ट पेज पढ़िए, स्टोरी को समझिए, कल हम स्टोरी आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.